वेलकम बैक। आज मुंबई जा रहा हूँ कि हमारी आगे की जर्नी है वो कैसी रहती है। पहले मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे रुकना है और फिर दिल्ली एयरपोर्ट से मुझे एक कनेक्टिंग फ्लाइट है मुंबई के लिए। दाल और चावल। घर वाले दिखना भी कौन कौन आया था। कौन कौन आया था ये देखो, हमारा हीरो मेरे चाचा जी है, चाची है और मेरा छोटा भाई है। तो हमारी जर्नी का जो दूसरी लेग है वो मुंबई से स्टार्ट हो रही है। मैंने अभी लैंड किया मुंबई, लेकिन एक बहुत थोड़ा लॉस हो गया यार। दिल्ली एयरपोर्ट पे हमारे दो बैगेज छूट गए। एक तो जो टेनिस रैकेट्स थे जो मैं लेकर आया था किसी के लिए, ये तो सतीश के टेनिस रैकेट छूट गए। और सूफी का एक कपड़े का बैग था, उसमें उसके शूज़ थे और थोड़े कपड़े थे, वो भी छूट गया। चलो चलो बाहर निकलो अभी। मुंबई का नेशनल फूड है ये वड़ा पाव। मुंबई में आके सबसे पहला जो हमारा मील रहता है वो वड़ा पाव ही रहता है। सबसे मैजिकल चीज़ होती है वो होती है चटनी, ये ड्राई चटनी होती है। पीनट पड़ता है और कोकोनट पड़ता है और इसमें गार्लिक पड़ता है। पूरी दुनिया में यही, जहाँ मर्जी आप चले आओ, यूके चले आओ, यूएस चले जाओ, लेकिन इस तरह के पाव सिर्फ मुंबई में ही मिलेंगे आपको। देखो कितने सॉफ्ट है ये, बाहर वाले क्लेम करते हैं, देखो बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और आपको बता दूं उसको बनाने का जो प्रोसेस है बहुत डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि आजकल लार्ज स्केल क्वांटिटी में बनाते हैं तो उनको जो आटा है ना वो पैर के साथ मसलना पड़ता है। तो पैर के साथ अच्छी तरह उसको, हाँ पहले पैर के साथ ही करते थे, अभी पता नहीं ये पैर के साथ पता नहीं चलता वैसे, लेकिन सुना मैंने कि पैर के साथ ज़्यादा करते थे। मुंबई में खज्जल खुआरी का हमारा पहला दिन है, तो आज से हमारी आवारागर्दी शुरू हो जाएगी। मुंबई में आके हमारी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ये शाही, दही, छाछ, मैगी। ये वाला पुराना घर है, यह सारा का सारा रिकंस्ट्रक्शन में जा रहा है, तो अभी हमने नए घर में शिफ्ट किया। ये वाला अपार्टमेंट स्टेशन के बहुत पास था। दो बैग मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं इंटरनेशनल बैगेज के लिए, ये मुझे चेकिंग चाहिए था एक। एक डाइनिंग सेट देखने आए हुए हैं, क्योंकि नए घर में हमने जो पुराना डाइनिंग सेट था वो वहीं पे छोड़ दिया, तो आज यहाँ पे एक व्हाइट हाउस फर्नीचर शॉप है। मामा जी से मिलने आए हैं। सो फाइनली वी आर एंटरिंग मामा'स होम। तो यार हाई राइज तो एकदम मामी कुछ किचन में बना रही है, क्या बन रहा है दिखाओ। ये मम्मी है मेरे, मम्मी कुछ खास पकोड़े बना रहे हैं, बज्जी बोलते हैं इसको। मम्मी बर्ली वांगी छान बनाते हैं। जैकफ्रूट, जैकफ्रूट को ये देखो, जैकफ्रूट का सीड है, मतलब सीड, इसको सीड ही खाते हैं ना इसका। सीड है, कटल है, लेकिन कटल अगर अच्छी तरह पक गया हो ना तो कुछ इस तरह लगता है वो, देखो। तो कुछ इस तरह है, खा के देखता हूँ कैसा है। बहुत जूसी है, स्वीट भी बहुत है। चिन्नू है बहुत शानदार डांस करता है। शमक, शमक की एकेडमी का ना, शमक दावर, शमक दावर का सबसे शाइनिंग स्टूडेंट है और इसने इतने सारे शोज किए हुए हैं, इतने सारे वीडियोस हैं। रिसेंटली परफॉर्मड ऑन लता मंगेशकर सॉन्ग, अ ट्रिब्यूट टू लता मंगेशकर सॉन्ग। अच्छा